Next है adding a field in a dataset view. See, follow this step to add a field in dataset view. Open a table in the dataset view. पहले हमें क्या करना है first step में कि open करना है dataset को. Select the field to the left of which you wish to add a new field. Right click on the drop down arrow of the field. Second step में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया है, ये क्या है हमारा एक एड्रेस ओपन किया है यहाँ पे, देखो राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन एरो, तो आपको जो जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप में क्या है कि सिलेक्ट द इंसर्ट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स, उसके अंदर क्या है इंसर्ट फील्ड है वो आपको सिलेक्ट करनी है. तो वहाँ पे कर्सर ले गए आप राइट. फोर ए न्यू फील्ड नेम फील्ड वन विल बी एडेड टू द लेफ्ट ऑफ द सिलेक्टेड फील्ड. और आपको क्या करना है कि ये जो फील्ड नंबर वन है, फील्ड वन है वहाँ पे जाके क्लिक करना है. तो आप इस बॉक्स में चले जाओगे, सिलेक्टेड फील्ड है ना वो. एडिंग अ फील्ड इन अ डिज़ाइन व्यू. फॉलो दिस स्टेप टू एड अ फील्ड इन डिज़ाइन व्यू. सी फर्स्ट ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू. फर्स्ट हमें क्या करना है कि ओपन करना है डिज़ाइन व्यू को. सेकेंड सिलेक्ट द फील्ड अबव विच यू विश टू एड अ न्यू फील्ड. आपको ये यहाँ पे न्यू फील्ड एड करनी है तो आप वहाँ पे जाओगे, कर्सर ले जाओगे. सिलेक्ट द इंसर्ट रो ऑप्शन फ्रॉम द टूल्स ग्रुप ऑन द डिज़ाइन टैब. अब हमें इंसर्ट करनी है रो को. सी यहाँ पे देखो दिया है इंसर्ट रो, और आपको नीचे यहाँ पे इंसर्ट करनी है रो को, तो वहाँ पे जाके आप कर सकते हो. A new row will be inserted. Mention the name and data type for the field created. हमारी new field create हो गई, insert हो गई, तो आपको उसके अंदर mention करना है name and data type field की, वो create करनी है. इसी step number 4 में देखो दिया है यहाँ पे percentage and number. ये हमने field add की, ये जो हमारी address थी हमें यहाँ पे बीच में add करनी थी तो हमने बीच में add कर दी. Okay. नेक्स्ट डिलीटिंग अ फील्ड इन डेटा शीट व्यू. अब हमें डिलीट करना है. फॉलो दिस स्टेप टू डिलीट अ फील्ड इन डेटा शीट व्यू. फर्स्ट ओपन अ टेबल इन द डेटा शीट व्यू. पहले हमें ओपन करना है डेटा शीट व्यू को. सेकेंड में क्या है कि सिलेक्ट द फील्ड टू बी डिलीटेड एंड राइट क्लिक ऑन इट. स्टेप नंबर 2 में क्या दिया है कि हमें जो ये डिलीट करना है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है. सी थर्ड स्टेप में वही दे, देखो सिलेक्ट द डिलीट फील्ड ऑप्शन फ्रॉम द मेनू दैट विल अपीयर. अभी देखो यहाँ पे दिया है डिलीट फील्ड, वहाँ पे जाको आपको क्लिक करना है तो आपका जो ये बना है वो डिलीट हो जाएगा. ये जो सेल दिया है वो आपको जो भी डिलीट करना है वो हो जाएगा. फोर्थ अ प्रमोट मैसेज अपीयर्स, क्लिक ऑन द यस बटन टू कन्फर्म डिलीशन. आपको एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर क्या है कि यस और नो होगा, तो आपको यस बटन पे प्रेस करना है तो आप ये जो डिलीट का मैसेज है तो वो कंफर्मेशन हमारा है डिलीट वो हो जाएगा. डिलीटिंग अ फील्ड इन अ डिज़ाइन व्यू. और डिज़ाइन व्यू हमें डिलीट करना है. सी फर्स्ट स्टेप ओपन द टेबल इन द डिज़ाइन व्यू. पहले हमें डिज़ाइन व्यू को ओपन करना है. सेकेंड क्या है, सिलेक्ट द रो टू बी डिलीटेड. पहले हमें रो को, इस रो को डिलीट करना है तो हमें पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है. थर्ड स्टेप में क्या, क्लिक ऑन द डिलीट रो बटन ऑन द डिज़ाइन टैब ऑफ द टूल्स ग्रुप, द सिलेक्टेड रो विल बी डिलीटेड. ये देखो यहाँ पे क्या दिया है कि डिलीट रो, वहाँ पे जाना है तो जो भी आपको रो डिलीट करनी है वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है जो भी रो कॉलम जो डिलीट करनी है वो. ओके, तो वो हमारी डिलीट हो जाएगी. नेक्स्ट मेकिंग चेंजेस इन डेटा शीट व्यू.